आने वाले 26 मार्च 2024 को बुध देव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। इस दिन बुध मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध के मेष राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों का भाग्योदय होना तय है। इन राशि के व्यक्ति को किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है। वहीं ज्योतिष आचार्य की बात माने तो लोकल 18 को जानकारी देते हुए बताया कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध देव को बुद्धि के तर्क गणित चतुर्थता का मित्र कारक ग्रह माना गया है। आइए जानते हैं कौन सी वह लकी है राशियां। ज्योतिष में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। बुध से जो है तर्क संवाद गणित चतुरता की प्राप्ति होती है। बुद्ध से बुद्धि की प्राप्ति होती है। बुद्ध मित्रता का भी कारक है। बुद्ध की एक विशेषता है, जन्म कुंडली में जिस ग्रह के साथ मिट जाएगा उस ग्रह के अनुकूल हो जाएगा। जैसा वह ग्रह प्रभाव दिखाता है वैसा ही बुद्ध जो है अपना प्रभाव दिखाने लगता है। ये बुद्ध की महादशा हो, बुद्ध आपके अनुकूल हो तो मित्रता आपकी बढ़ती है और मित्रों से आपको लाभ होता है। बुध को ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है। बुध यदि आपका शुभ नहीं है कुंडली में तो आपको कन्याओं की सेवा करना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, कन्याओं का पूजन करना चाहिए, कन्याओं को वस्त्र दान करना चाहिए और भोजन इत्यादि करा करके कन्याओं को दान दक्षिणा देना चाहिए। ऐसा करने से बुध आपके अनुकूल होगा और आपको करियर में, व्यापार में, नौकरी में सभी जगह बुध के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। 26 मार्च से बुध जो है मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि में प्रवेश करने से मेष, मिथुन और कन्या इन तीन राशि के जातकों को लाभ ही लाभ की प्राप्ति रहेगी। जब तक बुध मेष राशि में रहेंगे तब तक वह इन तीन जातकों को निश्चित ही लाभ प्रदान करेंगे। गोचर से इन तीनों राशि के जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होगी, व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति होगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता प्राप्त होगी, मित्रता बढ़ेगी, मित्रों की संख्या बढ़ेगी और अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा। इस प्रकार का बुध का फल जो है तीन जातकों को विशेष रूप से लाभ प्रदान करेगा।